अलैकुम व्यूअर्स, की हाल है तुहाडा? मेरे तो बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खरीयत नाल हो गया। अल्लाह ताला सानू हमेशा खुश तिबा ते हंसदा ते मुस्कुरांदा रखे। अज दी रेसिपी है चिकन कबाब, बहुत ही मजेदार। अवला पहले मैं मुर्गी दा कीमा यानी कि आधा किलो मैं कर लिया सी, ये आपां इस कुंडी च पहले बहुत ज्यादा बरीक करांगे। अगर तुहाडे कोल ग्राइंडर जागे तुसीं ओहदे च वी ग्राइंड कर सकते हो, लेकिन मैं इस कुंडी च करांगी। इस तरह आपां बिल्कुल बरीक कर लांगे। चलो जी, तुसी वेख सकते हो कि बरीक हो गया वे। कि मैं जिथों आप चिकन लैने ना बोनलैस चिकन उन्होंने कहना वे, तो तुम कीमा कर दो, वह कीमा कर देंगे। अगर आप लगता ना कि तुसी मशीन में भी कढ़ा सकते हो, अगर मशीन में नहीं तो तुसी घर इस तरह कुंडी दे विच कुंडी दौरा, मैं तो दौरी वैसे कुंडी कहनी हाँ, मिट्टी की दौरी, तो यह तुम वेख सकते हो बहुत बरीक हो गया वे। तुम वेख सकते चलो हम आप इस बोल भरने अदरक लसन का पेस्ट एक चम्मच, हरिया मिर्चा दो तीन बरीक कटिया हुई सी, प्याज बिल्कुल चॉप किया गया बिल्कुल, तुम वेख सकते हो ये पा देवे। मसाले ने मसाले मैं तुम दस दिया, सीख कबाब एक चम्मच, चाट मसाला है हाफ चम्मच, नमक है हाफ चम्मच, हल्दी है हाफ चम्मच, दड़ा मिर्च हाफ चम्मच, सुरख मिर्च हाफ चम्मच, खुशक धनिया पीसा है हाफ चम्मच, ये पा देंगे। एवे खुशक धनिया साबत इस तरह हथा मसल के पा देंगे। हरा धनिया दो ब्रैड के पीस से वह मैं बिल्कुल इन्हों यानी कि बरीक बरीक कर लिया सी गया। चूरा ये पा देंगे, हरा धनिया ये पा देंगे। अगर तुसी ब्रैड का नहीं तुसी पाना चाहते तो बेसन भी भुन के पा सकते हो, चने का भी तुसी पा सकते हो यानी कि आटा। इस तरह ना 5-6 मिनट आप अच्छी तरह इनू मसलना वे, इस तरह जिस तरह आप आटा नहीं गुन्नदे इस तरह हो जाए। आख सकते हो कि होर मैं 2 मिनट ना इस तरह अच्छी तरह इस तरह मसलांगे ताकि अपने सारे मसाले अंदर जजब हो जाए। चलो जी, इस तरह ना 10-15 मिनट आप इस तरह रख देंगे ताकि जरा के मसाले विच अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चलो जी, 10-15 मिनट हो गए ने, हुण आपां इस तरह की करांगे, आयल थोड़ा जिहा हाथ ते लगा के वालियां सीखा दूसरा यानी कि स्टिक सीगी उन्हें मैं इस तरह धागा बन लिया सी नलकी का, इस तरह आपां कबाब बना लाँगे। दो दो तीन तीन लैके ना तो धागे बन लेने दोनों साइडों में। इस तरह ना अच्छी तरह इस तरह ही आप सारे बना लाँगे। अगर तुम बच्चे मक्खन पाना चाहते हो या देसी घी पाना चाहते हो तो वह भी थोड़ा जहाँ पा सकते हो, बिल्कुल मलाई वर्गे ना अपने हो जाएंगे। चलो जी, कबाब अपने हो गए ने तैयार, हुण आपां फ्राई करने हैं। ए वाला जिहड़ा बाकी दे बच्चे ने ये आपां बाद विच कर लांगे, अगर फ्रीज़ करना होवे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह भी आपां बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जदों अपना गैसट वगैरह आन उदों आपां फ्राई कर लाँगे। तो मेरे 2 ही गैसट आ रहे हैं इसलिए मैं 5-6 ही बनावांगी, उस तो बाद मैं 2 होर बना के रख लाँगी। तो चलो पहले आप फ्राई करने हैं। चलो थोड़ा जहा ऑयल पाऊंगे, अच्छा जी आयल अपना गर्म हो गया, आयल ज़्यादा नहीं पाना बस थोड़ा थोड़ा ही पाना। ऐसा आप सारे ही चलो जी, 2-2 मिनट आप फ्राई करांगे इधर उधर साडा बदलांगे फिर। चलो 1 मिनट हो गया तो साइड बदलेंगे। चलो जी, दोनों साइड आप चेंज कीतियां ने, हुण आप जी चौथी साइड है यानी कि इस तरह ये आप फ्राई करांगे, यानी कि चारों साइड आप फ्राई करांगे। पंद्रह 20 मिनट लग जाते हैं 0 आंच पर आप करना वे, क्योंकि चिकन है आप गलानी भी कच्ची नहीं ना रखनी है, तो 15-20 मिनट तो ईजी लग जाते हैं।
चलो जी कबाब अपने फ्राई हो गए ने। हुण आपां थोड़ा जिहा धुआं देण वास्ते जायका बनाउण वास्ते एक कोला रखांगे, उपर थोड़ा जिहा आयल पावांगे। इस तरह उपर ढक्कन दे, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले आए हाए। चलो अच्छे, ओहो हो आए हाए। चलो जी कोला आप बाहर कढ लैने, हुण आपां करने आं डिश आउट। चलो जी कबाब अपने हो गए ने तैयार रेडी। अगर तुहानूं पसंद आए तो लाइक जरूर करियो, तुहानूं चैक करके भी दिखा दिया। अस वेख सकते आए हाए, बहुत ही मज़ेदार मैं कहनी आए हाए। अगर तुहानूं पसंद आए तो लाइक जरूर कर दियो, सबसक्राइब कर दियो, बैल आइकन को जरूर प्रेस करियो ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी तुहाडे तक बार वक्त पहुँचे। अपने दोस्तों से फैमिली से शेयर जरूर कर दिया करो। तो चलो रेसिपी नूं एंड करने हैं, खत्म करने हैं, मिलने हैं किसी होर रेसिपी दे नाल। उदों तक रब रखा।